तो पहली चीज़ क्या हुई कि हेनरी द सेवेंथ जो था उसने रूल किया 1485 से 1509 तक। तो इसने इंग्लैंड में पीस इस्टेब्लिश कर दी, रिफॉर्म करा अपनी गवर्नमेंट को, क्योंकि जो 30 ईयर वॉर चला अभी रोजेस का वॉर चला, वॉर ऑफ रोजेस, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ। तो इसने आके उन चीज़ों को ठीक किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया। ही वॉज अ लवर ऑफ नॉलेज, तो इसने अपने स्कॉलर्स को भेजा इटली और ग्रीक कि तुम जाओ वहाँ से क्लासिकल टेक्स्ट को पढ़ के आओ, लैंग्वेजेस को सीख के आओ, लैटिन सीख के आओ। तो इससे क्या हुआ कि इसने एक स्टेबल रॉयल हाउस भी इस्टेब्लिश कर दिया, मतलब कि ट्यूडर डायनेस्टी, जो कि ऑलरेडी एक हैवॉक है। वो कैसे है हम अभी देखते हैं, लेकिन इसने कहीं ना कहीं जो रेनेसा आने वाला था उसकी स्टार्टिंग कर दी। रेनेसा मतलब रिबर्थ ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट। जब इसने अपने स्कॉलर्स बाहर भेज दिए, इटली और ग्रीक में भेज दिए, तो वो जब पढ़ के आएंगे तो यहाँ पर क्लासिकल टेक्स्ट का दोबारा से रिबर्थ होगा और उस तरीके से रेनेसा स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके डेथ के बाद हेनरी द एट्थ किंग बनते हैं 1509 से 47। अब ये बंदा बहुत फेमस है अपनी शादियों के लिए, तो आप इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। इसने 6 शादियाँ करी थी उस टाइम पे, एक शादी करना अलाउड था, 6 शादियाँ करना अलाउड नहीं था। तो इसकी जो फर्स्ट वाइफ थी उसका नाम था कैथरीन ऑफ आर्गन, तो उससे इसको एक बेटा नहीं होता है, एक बेटी होती है जिसका नाम था क्वीन मैरी, लेकिन इसे एक मेल सक्सेसर चाहिए था। तो ये क्या करता है, ये कैथरीन को डिवोर्स देना चाहता है, बट मैंने जैसे बोला उस टाइम पर डिवोर्स नहीं अलाउड था, जो कैथोलिसिज्म है वो डिवोर्स को अप्रूव नहीं करता है, और जो रोमन पोप थे हेड ऑफ़ द पोप वो भी इस चीज़ को अप्रूव नहीं करते हैं। तो ये ऐसा कर नहीं सकता था, बट ही वॉन्ट्स टू डिवोर्स। बट उस टाइम पे कैथोलिक जो चर्च थे दे वो अगेंस्ट द डिवोर्स, कि आप डिवोर्स नहीं दे सकते हो, और जो रोम का पोप होता था ही वॉज द सुप्रीम हेड ऑफ द चर्च, कि वो जो बोलेगा आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इस बंदे ने क्या किया, हेनरी द एट ने, इसने बोला कि एक एक्ट पास किया, क्योंकि पार्लियामेंट उस टाइम पे वही है जो मोनार्की में है, जो किंग है वही पार्लियामेंट थी, क्योंकि डेमोक्रेसी तो थी नहीं। और तो इसने क्या किया, पार्लियामेंट की तरफ से अपनी तरफ से 1534 में एक एक्ट पास किया था, एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी। इस एक्ट में क्या बोला गया था, इसने बोला कि जो किंग होगा ही विल बी द हेड ऑफ द चर्च, कि जो वो बोलेगा वही चीज़ें होंगी, पोप का कोई लेना देना नहीं है विद द पावर ऑफ चर्च। तो इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो चर्च के ऊपर जो हेड बैठता था जो रोम का पोप था, उसकी पावर्स को उसने न्यूलीफाई कर दिया और बोल दिया कि किंग जो बोलेगा वही होगा। अब इसने क्या किया, इसको पास आखिर क्यों किया, इसने पास इसलिए किया ताकि ये अपनी जो डिवोर्स देना चाहता था वो डिवोर्स दे सके। इसने डिवोर्स दे के क्या बोला, एक ये जो एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी पास करके क्या बोला कि जो मैरिज है बिटवीन हेनरी द एट और जो कैथरीन ऑफ आर्गन थी, इनकी जो मैरिज है वो नल एंड वॉइड प्रूफ कर दी गई, कि अब इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, दोनों की जो मैरिज थी वो ख़त्म होती है, यहाँ पर नल एंड वॉइड है, कोई मतलब नहीं बचा। और जो इसकी बेटी हुई थी, मतलब जो कैथरीन की डॉटर हुई थी, वो किसी भी तरीके से जो रॉयल ब्लड है उससे कनेक्टेड नहीं है अब, क्योंकि हमने डिवोर्स दे दिया, तो वो मेरी बेटी नहीं है, इसने ऐसे बोल दिया, और वो कभी भी सक्सेसर नहीं बनेगी मेरी। इस तरीके से इसने एक सुप्रीमेसी का एक्ट पास कर दिया। अब यहाँ से रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है। रिफॉर्मेशन क्यों, क्योंकि कैथलिक्स के अगेंस्ट में रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, राइट, कि हमें कैथलिक जो चर्च है उसे चेंज करना। तो यहाँ पर इसने क्या किया, हेनरी द एट्थ ने जब इसने बोला कि सुप्रीमेसी का एक्ट लागू कर दिया, तो इसने क्या किया, एक नया चर्च, मतलब कि जो इंग्लैंड का चर्च था, उसने बोल दिया कि इस चर्च में एंजेलिकन चर्च का नाम दे दिया, कि एंजेलिकन चर्च जो है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड है, और इसका जो हेड होगा वो किंग होगा, ना कि पोप होगा। तो इंग्लैंड का जो चर्च है उसका नाम पड़ गया एंजेलिकन चर्च, कैथलिक चर्च नहीं बचे अब वो, ठीक है। अब इसने डिवोर्स देके सेकंड मैरिज कर ली एन बोलिन से। एन बोलिन की मिसकैरेजेस हुए, उसको भी मेल सक्सेसर नहीं हुआ, उसने भी एक डॉटर को बर्थ दिया जिसका नाम है एलिजाबेथ द फर्स्ट, जो कि एक गोल्डन पीरियड लेके आती है लिटरेचर में। अब इससे भी जब उसे एक सन नहीं हुआ, तो इसने क्या किया, इसने बोला कि एन ऑफ बोलिन है ये कहीं ना कहीं विच क्राफ्ट में इन्वॉल्व है, तो मैं इसे डिवोर्स देना चाहता हूँ। और इसने उसे सेंटेंस कर दिया टू डेथ, कि उसको बिहेडिड करवा दिया। ने क्या किया, सेकंड सक्सेशन का एक एक्ट पास किया, इसमें बोला कि जो एलिजाबेथ है उसका, हमारी जो रॉयल लाइन है उसे कोई लेना देना नहीं है, एलिजाबेथ को उसने एक इलेजिटिमेट चाइल्ड डिक्लेयर कर दिया, कि ना तो एन बनेगी, मतलब कि ना तो मैरी क्वीन बनेगी आके जाके, ना ही एलिजाबेथ बनेगी मेरी साइड से, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये इलेजिटिमेट है। अब इसने तीसरी लड़की से शादी कर ली एन सेमोर से, एन सेमोर जेन सेमोर से इसे एक बेटा होता है एडवर्ड द सिक्स्थ, जो कि आगे जाके प्रिंस बनेगा। इसके बाद भी इसने 3 और लड़कियों से शादी करी थी, उनका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है इसलिए मैंने उन्हें मेंशन नहीं किया।
अब क्या हुआ, जब इसने दो सक्सेशन के एक्ट पास कर दिए, एक में बोल दिया कि क्वीन जो मैरी है, इनकी डॉटर, फर्स्ट डॉटर जो है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो भी एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है। इसने बोल दिया सेकंड सक्सेशन एक्ट में कि एलिजाबेथ का भी हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो ऑब्वियसली था कि इसका जो बेटा था प्रिंस एडवर्ड VI, वही किंग बनेगा उसकी डेथ के बाद। तो जब हेनरी VIII की डेथ होती है, तो एडवर्ड VI जो है वो राजा बन जाता है, क्योंकि बाकी जो उसके सिस्टर्स थी उन दोनों का तो कोई मतलब बचा नहीं था, क्योंकि एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी के अंडर में उन दोनों को इलेजिटमेट घोषित कर दिया था। तो जो एडवर्ड था वो बहुत ही यंग एज पे प्रिंस बन गया था, क्योंकि उसके फादर की डेथ थोड़ी जल्दी हो जाती है। इसका टाइम पीरियड था 1576 से 53 तक, ये 6 साल तक किंग था। लेकिन उसके बीच में क्या हुआ, इसकी जो हेल्थ थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। अब जब इसने 6 साल जब रूल किया था, उसमें क्या हुआ कि जो एडवर्ड था ये एक प्रोटेस्टेंट था, क्योंकि जो इसकी मदर थी जेन सेमोर वो प्रोटेस्टेंट थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि कैथरीन कैथोलिक थी, बाकी इसकी 6 जो 5 जो वाइफ्स थी दे ऑल वो प्रोटेस्टेंट। तो जब जेन सेमोर प्रोटेस्टेंट थी, तो उसका बेटा भी प्रोटेस्टेंट था। तो जब वो गद्दी पे बैठा, वो मोनार्की में आया, तो उसने क्या किया, ही एलिमिनेटेड मैनी कैथोलिक बिलीव्स, देयर सिम्बल्स एंड सो ऑन सो फोर, कि उसने बहुत सारी चीज़ों को वहाँ से हटा दिया, चेंजेस कर दिया, ऐसा कर दिया। एंड ही इंट्रोड्यूस्ड अ बुक ऑफ कॉमन प्रेयर टू इंग्लिश पीपल एज वेल, प्लस इसने जो रिफॉर्मेशन चल रहा था उसे कंटिन्यू रखा। तो ठीक है, अब लेकिन 6 साल बीत गए, इसकी डेथ हो गई। अब इसकी डेथ हो गई, इसका कोई बेटा नहीं था, क्योंकि एक अर्ली एज पे इसकी डेथ हो जाती है। तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली जो क्वीन मैरी थी, जो कि कैथरीन ऑफ आर्गिन की बेटी थी, फर्स्ट वाइफ की बेटी थी, मैरी फर्स्ट, वो क्वीन बन जाती है। अब क्वीन जब मैरी मैरी द फर्स्ट जो क्वीन है वो बन गई, 1553 से 58 के बीच में रही। तो इसने क्या किया, जैसे मैंने बताया था कि कैथरीन जो थी सिर्फ वो कैथलिक थी, तो जब ये क्वीन बनी तो इसने आके क्या किया, सीधे कैथोलिसिज्म को स्टार्ट कर दिया, री स्टार्ट किया कैथोलिसिज्म को इन इंग्लैंड। और जितने भी प्रोटेस्टेंट थे उस टाइम पे, शी एग्जीक्यूटेड देम, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन इसने की है, प्रोटेस्टेंट को हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स की काउंट्स में इसने मरवा दिया, एग्जीक्यूट करवा दिया। इसीलिए इसे निकनेम दिया गया है ब्लडी मैरी का, कि हाँ इसने बहुत ज़्यादा लोगों को मरवा दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बिलीव्स कि वो प्रोटेस्टेंट हैं या फिर वो कैथलिक्स हैं इस बिहाफ पे। लेकिन जब इसकी डेथ होती है, इसका भी कोई सक्सेसर नहीं होता है उस टाइम पे, कोई चाइल्ड नहीं होता, तो ऑब्वियसली जो गद्दी थी, जो सिंहासन था, थ्रोन था, मोनार्की थी, वो चली गई इसकी सिस्टर पे, मतलब कि एलिजाबेथ द फर्स्ट जो थी वो क्वीन बन गई। वो बनी थी क्वीन 1558 से लेके 1603 तक। ये जो 5 साल का टाइम पीरियड था, दिस इज़ नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ लिटरेचर। क्यों है, क्योंकि एलिजाबेथ थी तो प्रोटेस्टेंट, लेकिन इसने क्या किया, आके ऐसा नहीं किया कि दोबारा से मैं चलूँ और मैं कैथलिक्स को दबाना शुरू कर दूँ। इसने क्या किया, इसने दोनों ही कैथलिक्स को भी और प्रोटेस्टेंट्स को, दोनों को वहाँ पे अलाउ किया, दैट ऑल कैन फॉलो योर बिलीफ, जो भी तुम्हें करना है हम दोनों को वहाँ पे रहने का एक वैलिड रीज़न देंगे कि आप दोनों ही साथ साथ में भी रह सकते हो। तो वो तो हम आगे की लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जब हम एलिजाबेथिन टाइम पीरियड को डिस्कस करेंगे।